हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं स्लीव्स की एक सुंदर सी डिजाइन। इसके लिए हमने स्लीव्स की लेंथ ली है 10 इंचेस और विड्थ ली है इसकी 20 इंचेस। इस तरह से हम 10 इंचेस पे इसको मार्क कर लेंगे और कट कर लेंगे इस तरह से कपड़े को। अब इसको कपड़े को हम 4 फोल्ड में रख लेंगे और 3 इंचेस डाउन इस तरह से मार्किंग लगा देंगे। अब हम लेंगे 8 इंचेस इसकी विड्थ। 7 हमने मुड्ढा लिया हुआ है तो 7 में +1 करके हमने 8 इंचेस इसकी विड्थ ले ली है और इसका जस्ट हाफ बीच में 4 इंचेस हम इस तरह से मार्क लगा देंगे और यहीं से हम इसको गोलाई देंगे नीचे की तरफ इस तरह से। आगे की तरफ भी हम इसको गहराई देते हुए इसी जगह से जहाँ हमने मार्क किया है इसी जगह से हम इसको गोलाई दे देंगे। अब हम इस तरह से चारों हिस्से बराबर करते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे। आगे भी जहां हमने मार्किंग की है उस आगे के दो हिस्से उठाकर इस तरह से हम आगे के लिए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव्स को हम साइड से कट करके अलग कर लेंगे। स्लीव्स को डिजाइन देने के लिए हम इलास्टिक के लिए 10 इंचेस के 2 पीसेस रेडी कर लेंगे। दोनों बाजुओं के लिए 10 इंचेस के 2 पीसेस हम इस तरह से कट करके अलग कर लेंगे। अब हम बाजू को रखेंगे और इसमें 1.5 इंचेस विड्थ की एक स्ट्रिप इस तरह से ऐड करेंगे। दोनों बाजुओं में हम इसी तरह से स्ट्रिप लगाते हुए इस तरह से स्टिच करते हुए और इलास्टिक को इस तरह पिन के थ्रू एक किनारे पे और दूसरे किनारे पे भी इसी तरह से पिन लगाते हुए अटैच कर लेंगे। ध्यान रहे इलास्टिक हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बीच में कहीं से भी मुड़नी नहीं चाहिए। अब हम इसको खींचते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे और कपड़े को मोड़ते हुए इलास्टिक के ऊपर दोबारा से स्टिच कर देंगे और ये हमारी बाजू रेडी हो गई है। इसको हम किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी दोनों बाजू जो है रेडी हो गई हैं। अब हम टॉप पार्ट लेंगे और बाजू के ऊपर इस तरह से उसको रख देंगे। जहाँ पर सिलाई है उसी जगह हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे बाजू पे और इसको सीधा किनारे वाली सिलाई में मिला देंगे। जहाँ हमने मार्किंग की है वहाँ हम कट लगा देंगे इस तरह से। बचा हुआ कपड़ा जो साइड का है वो हम कट करके निकाल देंगे और जहाँ हमने मार्किंग की है उसी जगह पे हम दोबारा से सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए हमने बाजू को सीधा कर लिया है और जो आगे का कटा हुआ हिस्सा है वो आगे की तरफ रखते हुए टॉप पार्ट के आगे के हिस्से की तरफ इस तरह से इसको अंदर डाल देंगे और जो बाजू की जो सिलाई है वो हम 0.1 आगे रखते हुए 0.1 सेंटीमीटर आगे रखते हुए इस तरह से इसको अटैच कर देंगे। इस तरह से 1 सेंटीमीटर आगे रखते हुए स्टिच करने से इसका फिटिंग बहुत परफेक्ट आती है और ये देखिए बाजू कहीं से भी छोटी बड़ी नहीं है, बाजू बिल्कुल प्रॉपरली फिक्स्ड हो गई है। तो आप भी इसी तरह सिलें। बाजू को अब सीधा करके देखिए इस तरह से इसका लुक इस तरह आएगा। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।